सभी को नमस्कार। एमआरसी केमिस्ट्री ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो कल अपने एक टॉपिक शुरू किया था, अणु संख्या गुणधर्म एवं आणविक द्रव्यमान में संबंध। ठीक, तो इसके बारे में अणु संख्या गुण क्या होते हैं ये अपने कल बता दिए थे, इसकी परिभाषा वगैरह आपने बता दी थी। और एक कितने प्रकार के होते हैं, तो नंबर एक पढ़ा था अपने वाष्पदाह का अपेक्षित गवनमन, नंबर दो था क्वथनांक उन्नयन, नंबर तीन था हिमांक गवनमन और नंबर चार था वाष्पदाह। उसका जो नंबर एक था अपना वाष्पदाह में अपेक्षित गुण कंप्लीट हो गया था, तो नंबर दो है अपना आज का क्वथनांक उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन, ठीक है, उन्नयन का अर्थ होता है बढ़ना। तो सबसे पहले देखते हैं क्वथनांक क्या होता है। तो किसी द्रव का क्वथनांक वह ताप होता है जिस पर द्रव का वाष्पदाब उसके वायुमंडलीय वाष्पदाब के बराबर होता है, वह ताप उस द्रव का क्या कहलाता है, क्वथनांक। ठीक, जब हम किसी विलायक में अवाष्पशील विलायक को घोला जाता है तो विलयन के वाष्पदाब में कमी आ जाती है, अतः विलयन के वाष्पदाब को वायुमंडलीय वाष्पदाब के बराबर लाने के लिए अधिक ताप की आवश्यकता होती है। विलयन के वाष्पदाब को वायुमंडलीय वाष्पदाब के बराबर लाने के लिए अधिक ताप की आवश्यकता होती है, यानी विलयन का क्वथनांक विलायक के क्वथनांक की तुलना में बढ़ जाता है। इस बढ़ने को कहते हैं क्वथनांक में उन्नयन। माना विलयन का क्वथनांक यदि विलयन का क्वथनांक टीबी मान लिया, वह विलायक का क्वथनांक टी नोट बी हो तो, यानी विलयन का क्वथनांक क्या है टी बी और शुद्ध विलायक का क्वथनांक क्या है टी नोट बी हो तो क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन यानी डेल्टा टी बी, किसी प्रदेश करते हैं डेल्टा टीबी, डेल्टा टीबी यानी अधिक में से कम बढ़ाएं तो विलयन का क्वथनांक और विलायक का क्वथनांक क्या, तो विलयन का क्वथनांक बढ़ रहा है तो क्या हो जाएगा टीबी माइनस टी नोट बी। ठीक, तो विलयन के क्वथनांक में डेल्टा टीबी और टीबी माइनस टी नोट बी। तो राउल्ट का नियम कहता है कि जब किसी विलायक में अवाष्पशील को घोला जाता है तो उसके वाष्पदाब जो कमी आती है वह विलायक की मोल भिन्न के समानुपाती होती है, तो डेल्टा पी समानुपाती एक्स बी, यहां एक्स बी बराबर क्या है विलायक की मोल भिन्न, एक्स बी क्या है विलायक की मोल भिन्न है। जब वाष्पदाब में अवनमन विलय की मोल भिन्न के समानुपाती होगा तो क्वथनांक में उन्नयन भी विलय की मोल भिन्न के समानुपाती होगा। तो मैं लिख सकता हूं डेल्टा टी बी समानुपाती एक्स बी या डेल्टा टी बी बराबर के एक्स बी, या के क्या है समानुपाती स्थिरांक को प्रदर्शित करता है। अब बात वही एक्स बी विलय की मोल भिन्न है, तो विलय की मोल भिन्न यानी एक्स बी बराबर क्या लिख सकते हैं एन बी अपॉन एन बी प्लस एन ए, किसी अणु की मोल भिन्न उस अणु की मोल संख्या बटे कुल मोल संख्या का अनुपात होती है। ये कैसे लिख सकते हैं अपन डब्ल्यू बी अपॉन एन बी अपॉन डब्ल्यू बी बटे एन बी प्लस एन ए को कैसे लिखेंगे डब्ल्यू ए अपॉन एम ए। ठीक है, इन एक्स बी की अपनी वैल्यू ये आ रही है तो एक्स बी की जगह अपन ये वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा अपना, थोड़ा मैं इसको यहां से रफ कर रहा हूं, तो क्या था अपना डेल्टा टी बी बराबर के एक्स बी की जगह लिख सकते हैं डब्ल्यू बी अपॉन एम बी अपॉन
WB अपॉन MB प्लस WA बटे MA। ठीक, तनु विलयनम के लिए, तनु विलयनम के लिए यानी जिसमें घुलने वाले विलय की मात्रा नगण्य हो या कम हो, तनु विलयन के लिए WB अपॉन MB इज वेरी वेरी लेस देन WA अपॉन MA, यानी WA अपॉन MA की तुलना में WB अपॉन MB को नगण मान सकते हैं। तो क्या हो जाएगा अपना फॉर्मूला, डेल्टा TB बराबर K WB अपॉन MB अपॉन WA अपॉन MA, इस वैल्यू को क्या मान लिया अपने नगण, तो अपना फॉर्मूला हो जाएगा ये, या डेल्टा TB बराबर K WB इंटू एम ए अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। ये फॉर्मूला प्रदर्शित करता है अपना वास्तव में दोनों यज्ञ का एक समानुपाती स्थिरांक, यानी इस फॉर्मूले से आपके इस क्वेश्चन का न्यूमेरिकल निकलेगा। इससे आगे अपना एक संबंध और निकलता है, वो संबंध निकलता है अवासशील विलय एवं अणुभार में संबंध, अवासशील विलय एवं अणुभार में संबंध। तो वो संबंध अपना कहता है कि क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन मोललता के समानुपाती होता है। तो क्या हो जाएगा, डेल्टा टीबी समानुपाती एन, एन क्या है यहां पर मोललता, एम बराबर मोललता। ठीक, या डेल्टा टीबी बराबर केबीएम, डेल्टा टीबी बराबर केबीएम, यहां केबी क्या है एक समानुपाती स्थिरांक है जिसे कहते हैं क्वथनांक मोलल उन्नयन स्थिरांक, क्वथनांक उन्नयन मोलल स्थिरांक। इसकी इकाई होती है केबी की केल्विन केजी मोल इनवर्स, ये इकाई कंप्रेशन बहुत बार पूछी जाती है, क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक की इकाई होती है केल्विन केजी मोल इनवर्स। ठीक, तो अपना फॉर्मूला से हम जानते हैं एम बराबर मोललता बराबर डब्ल्यू बी इंटू एक दार अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए, ये अपना फॉर्मूला किसके बराबर है मोललता के। ठीक, तो एम की जगह ये वैल्यू रखिए क्या हो जाएगा, डेल्टा टी बी बराबर के बी, डेल्टा टी बी बराबर के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू एक दार अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए, यानी इस फॉर्मूले से अपने न्यूमेरिकल क्वेश्चन निकलेंगे। वो क्वथनांक उन्नयन डेल्टा टीबी को प्रदर्शित है, के बी क्या है सम स्थिरांक है जिसकी वैल्यू अपने को देगा, डब्ल्यू क्या है विलय का भार है इंटू एक दार, एम बी विलय का अणुभार है, ये अपने को क्वेश्चन में दे भी सकते हैं, अपने को निकालना पड़ सकता है, और डब्ल्यू ए विलय का भार है। ठीक है, यदि ये आप उनसे टॉपिक ऊपर लिख रहा है आणविक द्रव्यमान में संबंध, आणविक द्रव्यमान क्या है विलय का एम बी, तो एम बी बराबर, एम बी बराबर क्या हो जाएगा अपना के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू, इसको हल्का सा ऊपर लिख देता हूं, एम बी बराबर के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन डेल्टा टी बी इंटू डब्ल्यू ए, यानी इस फॉर्मूले से अपने को उसके विलय का जो आणविक द्रव्यमान है वो निकाल सकते हैं। तो अगर आपको किसी न्यूमेरिकल क्वेश्चन में क्वथनांक उन्नयन निकलवाए तो अपने को फॉर्मूला लगाना है ये, अगर उसका आणविक द्रव्यमान तो फॉर्मूला तो यही अपने को एम बी निकाल दो फॉर्मूला हो जाएगा ये, यहां पर डब्ल्यू बी विलय का जो भार है वो देगा, क्वथनांक उन्नयन वो अपने को देगा, विलय का भार अपने को
देगा। बात इसकी ग्राफ की करें तो ग्राफ में कैसे प्रदर्शित करेंगे वो देखिए। मान लीजिए ये अपना ग्राफ है, इधर तो मैं ले रहा हूं ताप और इधर ले लिया मैंने वाष्प दाब, ठीक। तो अधिक ताप की आवश्यकता होगी तो विलयन का ग्राफ कैसा आएगा, विलायक से आगे आएगा। तो ये तो किसको प्रदर्शित करेगा, टी बी को यानी विलयन को। ये किसको प्रदर्शित करेगा, शुद्ध विलायक को, टी नॉट बी को। इस प्रकार अपन इसके ग्राफ आते हैं। इन दोनों का तो ये अंतर है, ये प्रदर्शित करेगा डेल्टा टी बी को यानी क्वथनांक में उन्नयन को। इस प्रकार अपना जो दूसरा अणु संख्या गुणोत्तर क्वथनांक में उन्नयन एक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अपना नंबर जो तीन है हिमांक में होगा उन्नयन, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।